बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ नदीम खोकर साहब मौजूद हैं। नदीम खोकर साहब का ताल्लुक भी कराची से है और नदीम खोकर साहब देखने की जमात से तो महरूम है मगर बहुत ज़िंदा दिल आदमी है और इन्होंने क्या आवाज़ पाई है और माशाल्लाह से ख़ुद मुख्तार हैं, अपनी मिसाल आप हैं। नदीम खोकर साहब थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम खोकर है और मैं विजुअली इम्पेयर्ड। मेरा आगाज़ यूँ हुआ था एजुकेशन का कि मुझे मेरी एक वालदा को किसी डॉक्टर ने बताया कि इनका एक स्कूल है शहीद मिल्लत स्पेशल एजुकेशन गुलशन इकबाल, वहाँ मेरी वालदा मुझे ले गई और वहाँ मैंने प्राइमरी तक एजुकेशन ली क्योंकि वो उस वक्त प्राइमरी तक था। उसके बाद मैट्रिक मैंने प्राइवेट किया, उसके बाद फिर मैं आईडारियो में आया, आईडारियो से मैंने इंटर और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जो है ना फिर मैं दारुसकून आया एज ए म्यूज़िक टीचर, जो है मैंने वहाँ 5 साल काम किया और फिर उसके बाद जो है ना वहाँ दारुसकून के बाद मैं फिर यहाँ आया PWD में और यहाँ भी अब इस वक्त एज ए म्यूज़िक टीचर की हैसियत से जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह सर, सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी ये है कि आप विजुअल इम्पेयर्ड हैं मगर फिर भी खुद मुख्तार हैं और हम रिसेशन का शिकार मुल्क, हाथ पैर टांगे नज़र कान आंखें सब होने के बावजूद भी हज़ारों नौजवानों के पास हमारे काम ना करने के बहुत सारे बहाने हैं। आप जैसे लोगों को हम अप्रिशिएट भी करते हैं, सलूट भी करते हैं और आप हमारी मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आखिर में एक गाना हो जाए तो हम आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे। जी हाँ बिल्कुल, एक गाना होगा। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। वाह शुक्रिया, जबरदस्त सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर। आपसे फिर मुलाकात होगी।